जायजा और सुरक्षा व्यवस्था पर भी मंथन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कई शिष्टमंडलों से मुलाकात कर जानी जमीनी हकीकत। अपनी पार्टी के समर्थन में उतरी प्रदेश भाजपा। जफर मनहास के पक्ष में किया चुनाव प्रचार। लोगों से अपनी पार्टी को वोट देने की अपील की। प्राकृतिक आपदा का कारोबार पर भी दिखा असर। भूल रामबन मार्ग बंद होने से कारोबारी प्रभावित। फलों व दूध सहित अन्य चीजों की रुकी सप्लाई। 25 अप्रैल से धंधे में मंदा। झेल रहे कई कारोबार। किसान आंदोलन से यातायात बुरी तरह से प्रभावित। माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाली 3 ट्रेनें 3 दिन रद्द। आज कल और परसों नहीं चलेंगी जम्मू मेल रेलगाड़ी। माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु परेशान। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। कश्मीर में लोकसभा चुनाव के बीच 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के मद्देनजर श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गृह मंत्री ने वीरवार को जहां श्रीनगर पहुंचने पर कई शिष्टमंडलों के साथ मुलाकात कर जमीनी हकीकत की जानकारी ली थी, वहीं आज भी वह अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। तो आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय कश्मीर के दौरे पर हैं और कल गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंचे हैं और आज वहां पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद है। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर कई सारे शिष्टमंडलों के साथ मुलाकात भी की हुई है। आकिब फिलहाल हमारे संवाददाता श्रीनगर से इस वक्त जुड़ गए हैं। आकिब, गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा जो है, ये कितना महत्वपूर्ण दौरा है? ऑफिशियली क्या कुछ वहां पर हुआ और चुनाव भी चल रहे हैं तो चुनाव के मद्देनजर देखें तो क्या कुछ गतिविधियां कल से देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल शीतल, कल शाम को देश के गृह मंत्री श्रीनगर पहुंचे हैं और श्रीनगर के ललित होटल में वो ठहरे हैं और उसके बाद यहाँ की बहुत सारी ऐसी डेलीगेशन जो है वो उनको मिली है। कल शाम को ये सिलसिला जारी रहा जिसमें सिख कम्युनिटी के साथ साथ पहाड़ी गुजर जो है वो कल शाम को देश के गृह मंत्री को मिले हैं और उसके बाद जैसे ही वो बाहर आए तो उन्होंने बात भी की और बहुत ज्यादा खुश भी नजर आ रहे और सहमति दिखा रहे थे और बहुत सारे ऐसे अपने पॉइंट्स उन्होंने देश के गृह मंत्री के सामने रखे हैं और उस पर सहमति भी हुई है। और उसके बाद आज सुबह देश के गृह मंत्री ने यहाँ पे एक रिव्यू मीटिंग ली है जिसमें अमरनाथ यात्रा जो पाक यात्रा होती है वो सालाना जो यात्रा होती है उसकी रिव्यू मीटिंग भी ली है। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी की बात करेंगे, बीजेपी के जो वर्कर्स हैं वो कल शाम को देश के गृह मंत्री को मिले हैं और उसके बाद उनके साथ गुफ्तगू हुई है। और गुफ्तगू जहां तक हम बात कर रहे हैं स्पोक्स पर्सन बीजेपी उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरकशेंद्रा भी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भाजपा के लीडर्स हैं वो उनको मिले हैं और जोर दिया गया है कि क्योंकि सितंबर में कहा जा रहा है कि लोकसभा इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होंगे और देश के गृह मंत्री ने अपने कैडर को बताया है कि वो तैयार रहे ताकि हम जो 90 सीट्स यहां पे हैं उन पे हम चुनाव लड़ेंगे। और बिल्कुल देखिए, आखिर विधानसभा चुनाव की तैयारियां तो है ही है लेकिन उससे पहले 2 सीटों पर अभी श्रीनगर में चुनाव हो, कश्मीर में चुनाव होने हैं। श्रीनगर में चुनाव हो चुके हैं, 2 सीटें अभी बाकी हैं। ऐसे में बीजेपी किस मजबूती के साथ है? हालांकि बीजेपी की कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली जो एक सपोर्ट कहा जा रहा है बीजेपी की पूरी नजर बनी हुई है और अमित शाह ने भी, प्रधानमंत्री मोदी ने भी वोटिंग परसेंटेज पर काफी सहमति जताई है कि धारा 370 हटने के बाद ही ये जो परसेंटेज है इसमें उछाल देखने को मिला है। तो उसके मद्देनजर अभी क्या कुछ गतिविधियां जो है वो हुई हैं? बिल्कुल शीतल, जिस तरीके से यहाँ पे श्रीनगर पार्लिमानी कंस्टिट्यूएंसी पे एक इलेक्शन हुआ है जिसमें भारी मात्रा में लोग बाहर आए हैं और 38.4% वोट कास्ट किए गए हैं और उसके बाद अभी बारामूला और अनंतनाग में अब वोटिंग होने जा रही है जिसमें देश के गृह मंत्री का दौरा काफी अहम माना जाता है क्योंकि भाजपा कश्मीर की बात करेंगे तो भाजपा यहाँ पे भाजपा ने अपने कैंडिडेट्स खड़ा नहीं किए लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी पार्टी को जो 370 खत्म होने के बाद
बात वजूद में आई है, उनको कहा गया है कि वो उनको मदद करें, लेकिन डायरेक्टली कहीं पे सहमति नहीं दिखाई गई है। जिस तरीके से जो जनरल सेक्रेटरी है भाजपा के तरुण चुग, उन्होंने रजौरी में कहा है कि आप बैट को वोट डाल दीजिए, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भाजपा के लीडर्स हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि बैट ही एक हल है, जो बैट बैट को वोट डालें और बैट ही यहां पे मजबूती दिखाए। और बाजाबता तौर जम्मू कश्मीर की वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक जिंद्राबी का भी कहना, जब उन्होंने वोट कास्ट किया उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि जिन लोगों ने यहाँ पे खून रेजी की है उनके साथ हम कभी नहीं जाएंगे, और जिनके हाथ साफ है उनके उनको हम वोट डालेंगे। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आखिर खबरें ये भी आ रही हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो अपनी पार्टी के मुखिया, अपनी पार्टी के जो मुखिया हैं अल्ताफ बुखारी, उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। तो क्या ये संभावनाओं पे विराम लग सकता है, यानी उनकी मुलाकात हो सकती है? और अगर उनकी मुलाकात होती है तो क्या कुछ बातें निकाली जा सकती हैं, क्या संकेत निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल शीतल, जिस तरीके से कल शाम को बातें चली थी कि यहाँ पे 370 खत्म होने के बाद जो पार्टी वजूद में आई उसके सरबरा जो है वो देश के गृह मंत्री को मुलाकात करेंगे और डिनर एक साथ करेंगे, लेकिन उसके बाद कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन हालांकि इसमें नहीं आई है। और आज सुबह देश के गृह मंत्री ने एक रिव्यू मीटिंग ली है, उसके बाद देश के गृह मंत्री श्रीनगर से दिल्ली की ओर रवाना भी हो गए हैं, और यहाँ पे सिक्योरिटी को भी बढ़ाया गया था जब देश के गृह मंत्री यहाँ पे थे। कुछ देर पहले ही देश के गृह मंत्री श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली की तरफ रवाना हो गए हैं। जी शीत, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकिब, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, लोगों को अपडेट करने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के दौरे पर हैं, दो दिन से कश्मीर में हैं, और अब देखना होगा कि इसके सियासी हलचल किस तरह से कश्मीर के अंदर गरमाती हुई नजर आएगी। इधर अनंतनाग पुंछ लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतारा है, लेकिन बीजेपी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन कर रही है। आज बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजौरी में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार कर लोगों से उन्हें वोट देने की अपील की है। राजौरी से हमारे संवाददाता जमशेद मलिक ने इस पर बीजेपी के स्थानीय नेताओं से खास बातचीत की है, आइए देखते हैं उनका क्या कुछ कहना है। पार्लियामेंट निश्चित अनंतनाग राजौरी पर पिछले कुछ अरसा से कई बड़ी चीजें भी देखने को मिली, और भाजपा की तरफ से खिताई पीर पंचाल के अंदर कई बड़े लीडरान की तरफ से मीटिंगों का दौर जरूर देखने को मिल रहा था, मगर खुलकर बात सामने नहीं आ रही थी कि भाजपा इस बार किसके साथ किसको सपोर्ट करने जा रही है। मगर आज राजौरी के अंदर पहली बार भाजपा खुलकर सामने आई है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भाजपा राजौरी दिनेश शर्मा जी हमारे साथ, इनसे जानेंगे। आज आपकी तरफ से ओपन कंपेन शुरू कर दी गई है राजौरी के अंदर, क्योंकि इससे पहले अगर जितनी मीटिंगों का दौर आपका देखा खुलकर इस तरह सामने नहीं आए, मगर आज खुलकर आपकी तरफ से मीटिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा है कि आप अपनी पार्टी की सपोर्ट में राजौरी में आ चुके हैं, थोड़ा और कीजिएगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारा जो हमारी जो लीडरशिप है, चाहे मोदी जी हैं, चाहे अमित शाह जी हैं, चाहे जेपी नड्डा जी हैं, ये प्रदेश की लीडरशिप जो हमारे रविंद्र रैना साहब हैं, पार्टी की लीडरशिप ने ये फैसला किया कि राजौरी पुंछ की सीट जो है वो हमारे एलआई जो हैं अपनी पार्टी के कैंडिडेट जो हैं ये उनको दी गई है, ये अपनी पार्टी को दी गई है, वो कैंडिडेट लड़ रहे हैं। देश भर में अलायंस है, जैसे एनडीए का अलायंस है और इंडिया अलायंस है, उसी तरह हम यहाँ एनडीए का ये पार्ट है, हम इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। हमारी लीडरशिप ने फैसला किया है, अमित शाह जी ने बड़ा क्लियर जम्मू में कहा था कि जो परिवारवादी पार्टियाँ हैं जिन्होंने इस देश को उग्रवाद अलगाववाद परेशानी के सिवा जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं दिया, हमेशा 70 साल से इस प्रदेश को लूटा जिन्होंने, उनको हमें बाहर रखना है इस जम्मू कश्मीर प्रदेश की शांति के लिए, इसकी खुशहाली के लिए, इसकी तरक्की के लिए। और जो हमारे कैंडिडेट हैं राजौरी पुंछ से हैं, राजौरी पुंछ के पहाड़ी कैंडिडेट हैं, राजौरी पुंछ की डेवलपमेंट के लिए, राजौरी पुंछ में रेल लाइन लाने के लिए, राजौरी पुंछ के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन की गई, यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दिया गया, राजौरी पुंछ के टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे दूसरी फैसिलिटीज जो आज तक 70 साल ये सरकारें नहीं दे पाई, वो डेवलपमेंट यहाँ लाने के लिए हमारे जो पार्टी ने ये फैसला किया है, हमारी लीडरशिप ने फैसला किया कि हमने जफर इकबाल मनासा को सपोर्ट। ऐसा तो नहीं था क्योंकि पिछले कुछ अरसा से आपके कई बड़े लीडरान खिताई पीर पंचाल के अंदर मीटिंगों का दौर, कहीं ऐसा था कि पहले ग्राउंड देखा गया उसके बाद ओपन आए पार्टी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, जीत हार लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी का अगर कैंडिडेट इस सीट पे होते हैं तो कम से कम 2 लाख वोट से हम ये सीट जीत जाते, लेकिन हमारी पार्टी कभी हमारी पार्टी का एक स्लोगन है, नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड सेल्फ लास्ट। उन्होंने एक बड़े हित में देखते हुए, देश के हित को देखते हुए, जम्मू कश्मीर के हित को देखते हुए
उनका विजन हमसे कहीं बड़ा है, हमारी लीडरशिप का, मोदी जी की सोच हमसे, यहाँ हमारी सोच खत्म होती है, उनकी सोच शुरू होती है। उन्होंने इस प्रदेश के हित के लिए ये फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ है और ये सीट भी हम जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ने जीतना था उसी तरह ये सीट हम जीतते। रही आपकी बात की ग्राउंड को देखते हुए, ग्राउंड हमारी बहुत मजबूत है, बच्चा बच्चा साथ खड़ा है। आज एसटी स्टेटस जो है, कितनी पुरानी 40 साल पुरानी मांग थी हम लोगों की, लेकिन किसी ने नहीं दिया, सभी ने एक्सप्लॉइट किया पहाड़ियों को। अगर किसी ने वो वादा पूरा किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर रजौरी पूंछ की हम डेवलपमेंट देखेंगे, जो 70 साल में डेवलपमेंट नहीं हुई, पिछले 10 सालों में डेवलपमेंट हुई है। आज बच्चा बच्चा मोदी जी के साथ खड़ा है। हमारा गुजर बकरवाल भाई हो चाहे पहाड़ी भाई हो, सभी मोदी जी की सपोर्ट में खड़े हैं। हम ये सीट बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इस वक्त भाजपा के कई लीडर आपको राजौरी के अंदर नजर आएंगे, जो भाजपा मार्केट के अंदर कंपेन करते आपको नजर आएगी। इस वक्त राजौरी के अंदर मैं पिछले आपको बता रहा हूँ कि भाजपा की तरफ से बिल्कुल ओपन कंपेन आज पहली बार शुरू कर दिया। मगर बड़ी चीज़ एक और देखने को मिल रही है कि राजौरी पुंछ को रेलवे लाइन जोड़ने का जिन जो बोतल में बंद है वो एक बार फिर बाहर आया, क्योंकि ये जिन 2014 से राजौरी पुंछ के अंदर बार बार बाहर आता है कि ये कहा जाता है कि राजौरी पुंछ को सब रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। तमाम 46 पार्टियों की तरफ से ये बात जरूर कही जाती है, मगर हर बार इलेक्शन के दौरान ही इस तरह की बातें सामने आती हैं। मगर बड़ी खबर यह है कि राजौरी के अंदर आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी खुलकर अपनी पार्टी की सपोर्ट में मैदान में उतरी है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिएगा गुलिस्तान न्यूज के साथ। आगे बढ़ेंगे। रामबन जिले के परनकोट इलाके में 25 अप्रैल को जमीन धंसने से जहां 28 परिवार बेघर हो गए हैं, वहीं इस आपदा का असर अब रामबन के स्थानीय कारोबारियों पर भी पड़ रहा है। इस आपदा से गूल रामबन मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने से फल उत्पादकों की पैदावार बाजार में नहीं पहुंच रही है और साथ ही साथ दूध के कारोबारी भी माथा पीटने को मजबूर हो रहे हैं। रामबन के बाजार में इन दिनों फलों और दूध आदि की किल्लत साफ देखी जा रही है, क्योंकि गूल रामबन मार्ग बंद होने से सप्लाई बाजार में नहीं पहुंच पा रही है। तो जमीन धंसने से किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं और इसका सीधा असर जो है वो कारोबारियों पर पड़ा है, हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए नदीम इकबाल हमारे संवाददाता रामबन से जुड़ गए हैं। नदीम, क्या लेटेस्ट जानकारी है अभी, और इसका सीधा सीधा असर कारोबारियों पर देखने को मिल रहा है, तो अभी क्या पूरा निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए शीतल, लगभग 22 दिन का अरसा हो गया है कि गोल रामबन सड़क पूरी तरह से बंद ही हो गई है। आपको याद होगा कि परनोद का इलाका था जहां पर जमीन का एक बड़ा हिस्सा ढह जाने की वजह से कहीं रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा था, उसके साथ साथ एक बड़ी सड़क जो जिला रामबन को जिला जो सदर मकाम से गूल सब डिविजन को मिलाने वाली सड़क भी बंद हुई, लेकिन आज की डेट तक ये रोड बिल्कुल बंद है। और जहां हम बात करें लोगों की, लोग के सामने तरह तरह की परेशानियां है, क्योंकि गूल संगदान की हम बात करें, गांधरी या सुमर की बात करें, ऐसे इलाके हैं जहां से कहीं तरह की चीजें रामबन बाजार तक पहुंचती है और लोगों का रोजगार उन तमाम चीजों से जुड़ा हुआ है, जिसमें फल सब्जियां और उसके साथ साथ दूध घी वगैरह अगर की बात करें तो ये तमाम चीजें सुमण, हड़ोग, धर्मकुंड, कब्बी, गांधी और पट्टी से रामन पहुंचती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये लोग तो परेशान है, लेकिन परेशान वो लोग भी है जो बाजार में उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कस्टमर हम तक पहुंचेंगे, लेकिन अब जिन लोगों ने लोन लेकर दुकान शुरू की थी, जिन लोगों ने किराए पे दुकान लेकर कारोबार शुरू किया था, वो भी परेशान है। कहीं ना कहीं उन लोगों की भी शिकायत है कि जल्द से जल्द रोड रेस्टोरेशन का काम शुरू किया जाना चाहिए और रफ्तार लाई जानी चाहिए। हालांकि रोड रेस्टोरेशन का काम चल भी रहा है, लेकिन जो रफ्तार उसमें देखने को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। 22 दिन का अरसा हो गया है। लेकिन देखिए, ये प्राकृतिक आपदा है नदीम, और जियोग्राफिकल कंडीशन वहां पर क्या है वो भी देखना महत्वपूर्ण है, तो इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? क्योंकि अगर सड़क को आप ठीक कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आपकी सड़क घिस रही है, क्योंकि ऐसे में प्रशासन ने अभी तक किस तरह के कदम उठाए हैं? बिल्कुल, देखिए शीतल, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि जहां हम परनोत इलाके की बात करें, जहां पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से परेशानियां सामने आई, कहीं घर बेघर हुए, लेकिन सड़क का एक बड़ा हिस्सा भी ढह गया। लेकिन पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि वहां पर रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, लेकिन कल जब हम वहां के लोगों से बात कर रहे थे, जो वहां पर रोड रेस्टोरेशन जो एजेंसी है उसके कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि जनाब रोड रेस्टोरेशन में हमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट की तरफ से बताया जा रहा है कि जनाब जो पेड़ पौधे गिरे हुए हैं, मलबा इनके ऊपर नहीं फेंक सकते। हालांकि 10-12-15 बूटे हैं, लेकिन जब हम देखें अगर पेड़ वहां 10-12 है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लोग एक तरफ, एक 60,000
की आबादी वाला इलाका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से इस इलाके को मिलाता है वो रोड डिस्कनेक्ट है, तो जाहिर सी बात है फॉरेस्ट क्लियरेंस या फॉरेस्ट की तरफ से दिक्कतें पैदा करना इन लोगों के लिए परेशानियां हैं। तो ऐसे में लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से उन लोगों ने मुदाखलत की अपील की है कि जरा आप इन पेड़ पौधों की परवाह किए बिना लोगों को रोड फैसिलिटी फराहम करने का काम कीजिएगा, जिस वजह से ना तो स्कूल जाने वाले बच्चों को दिक्कत हो, ना पेशेंट को अस्पताल पहुंचने में दिक्कत हो, ना ही कारोबार जिन लोगों का इससे जुड़ा है वो कहीं ना कहीं मुतासिर हो। इसको हम देख रहे हैं कि रामपुर का लगभग एक बड़ा हिस्सा इस रोड के डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से परेशान है, एक तरफ दुकानदार तो दूसरी तरफ वो लोग जो ये तमाम चीजें पैदा कर बाजार तक पहुंचाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं डीजल और पेट्रोल की कमी भी हमें गोल संगलदान गांधी या सुमड़ के इलाके में देखने को मिल रही है, क्योंकि जब रोड डिस्कनेक्ट है तो जाहिर सी बात है तमाम चीजें आसानी से इलाकों तक पहुंच नहीं रही। खाने पीने की चीजों की बात करें वो चीजों की भी कहीं ना कहीं शिकायत आ रही कि जना महंगाई बढ़ रही है और महंगाई बढ़ने का सबब रोड डिस्कनेक्ट होना है, और जिस पर लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से जाती मुदाखलत की अपील की है कि लोगों को परेशानियां ना हो और जल्द से जल्द इस रोड को रेस्टोर करने का काम जो है उसमें रफ्तार लाई जाए, और फॉरेस्ट क्लियरेंस जिस तरह से है वहां पे जो पेड़ पौधे गिरे हैं उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जल्द से जल्द हटाए ताकि रोड को स्मूथली रेस्टोर करके मोटेबल बनाया जा सके। जी ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए नदीम, और ये अपडेट लोगों तक पहुंचाने के लिए। इधर किसान आंदोलन की बार से रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया है, खासतौर से जो ट्रेनें उत्तर की ओर आ रही हैं वो ट्रेनें बुरी तरह आंदोलन की चपेट में हैं। यही कारण है कि उत्तरी छोर से दिल्ली और अन्य स्थानों पर जाने वाले यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में बीते कई दिन से रद्द चल रही कई रेलगाड़ियां आने वाले कुछ और दिन तक रद्द रहेंगी। इनमें 3 रेलें और शामिल हैं। ये गाड़ियां रद्द होने से माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को शेड्यूल जो है वो गड़बड़ा गया है। तो शिल्पा हमें ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे साथ ज्वाइन हो चुकी हैं। शिल्पा जरा बताइएगा कितना प्रभाव पड़ रहा है रेलवे पर, खासतौर पर यात्रियों पर जो माता वैष्णो देवी के लिए दर्शनों के लिए आते हैं और उनको ट्रेन की फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं किसान आंदोलन की वजह से। जी बिल्कुल, देखिए किसान आंदोलन की वजह से ट्रेन जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है और यात्रियों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले बता दी चलूं कि 3 ट्रेनें जो है वो रद्द की गई हैं, आज भी वो रद्द रहेंगी और 18-19 तारीख तक जो है वो रद्द की गई हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलने वाली जो जम्मू मेल है वो आज भी रद्द है, कल भी रद्द रहेगी और 19 तारीख तक जो है वो दोनों तरफ से जो है वो रद्द रहने वाली है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली के सरिया रोहल्ले के बीच चलने वाली जो विशेष रेलगाड़ी है वो आज भी रद्द है, 18 को भी रद्द रहेगी और 19 को भी दोनों तरफ से रद्द रहेगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कटरा कालका एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो कि 17 यानी कि आज भी रद्द है और कल ये ट्रेन जो है वो दोनों तरफ से रद्द रहने वाली है, और साथ ही साथ जो अन्य ट्रेनें हैं उनके भी रूट को जो है वो डाइवर्ट किया गया है, कई ट्रेनें जो है वो डिले पहुंच रही है, तो जो यात्री प्लेटफॉर्म पे पहुंचे उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कई यात्री ऐसे हैं जो कि इस समय टिकट को बुक नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ये ज्ञात है, क्योंकि काफी समय से ये आंदोलन जो है वो देखने को मिल रहा है और ट्रेन प्रभावित हो रही है, तो यात्री अब टिकट भी नहीं कटवा रही है, लेकिन अगर जो यात्री टिकट कटवा रहे हैं तो रेलवे प्रशासन के द्वारा उन्हें सूचना दी जा रही है कि आपकी ट्रेन जो है वो इतने समय तक आएगी, कौन सी ट्रेनें जो है वो रद्द हुई है, तो ये पूरी जानकारी जो है वो इस समय यात्रियों को दी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्लेटफॉर्म पे यात्री पहुंच रही है तो उन्हें जो है वो परेशानी आ रही है क्योंकि उन्हें जो है वो इंतजार करना पड़ रहा है। बिल्कुल शिल्पा, कुल मिलाकर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रिया आपका शिल्पा ये तमाम जानकारी और हर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कि कौन कौन सी ट्रेनें फिलहाल कुछ दिनों तक रद्द रहेंगी और इसका सीधा प्रभाव यात्रियों पर पड़ने वाला है। आगे बढ़ेंगे, जिला रियासी में धर्मनगरी कटड़ा के नजदीक आज शेष आए सड़क हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा कटड़ा टिकरी मार्ग पर चंबा गांव में तब पेश आया जब कटड़ा से पहलगाम की ओर जा रही एक यात्री बस विपरीत दिशा से आ रहे एक टैंकर से जा टकराई। इस हादसे में बस में 45 यात्रियों में से 6 यात्री घायल हो गए हैं जिन्हें स्थानीय लोगों ने तुरंत इलाज के लिए कटड़ा अस्पताल पहुंचाया है। वहीं घायलों में से 3 यात्रियों को जम्मू के जीएमसी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। तो हम महाराष्ट्र से है, बारसी से, और हम क्या कहे कल वैष्णो देवी का दर्शन किया है और आज हम पहलगाम जा रहे हैं और नैना मैडम बोल के विनेश टूर है बोल उनके टूर के साथ हम जा रहे हैं, पहलगाम जा रहे थे आज। और जब हम रास्ते से अभी हम 10 मिनट भी नहीं हुए तो हमने छोड़ दिया था होटल और हम हाल ही में सिंचाई विभाग ने टहरों की साफ सफाई का काम पूरा कर दिया है, लेकिन आरएसपुरा के किसानों ने सिंचाई विभाग के इस काम पर कई सवाल उठाए हैं।
किसानों का आरोप है कि विभाग द्वारा नहरों की सफाई ठीक ढंग से नहीं की गई है, जिसके कारण उनके खेतों तक नहर का पानी नहीं पहुंच रहा है। यही वजह है कि वो धान की पौध नहीं लगा पा रहे हैं। किसानों ने विभाग से नहर की जल सफाई की मांग की ताकि उनके खेतों तक पानी पहुंच सके। मैं इस टाइम बोल रहा पिंड ममके नूं सर, ये साड़ी जी नहर सर मियाँ फतेह कोल दी नहर चलती है, ये घट तो 50-60 पिंड इतों शुरू होंगी है, दबलैड ममका कोटी कोला मतलब सही पिंडी और तकरीबन बॉर्डर तक नहर जाती है। ये सर थोड़ी देर पहले ना की किया इरीगेशन डिपार्टमेंट ने सफाई की नहर दे, चलो बहुत वधिया सफाई की इन्होंने, लेकिन सर हूँ जिस टाइम टाइम का पानी छड़िया हूँ जिमीदार इस टाइम लोड़ है पानी की लाभ छाप लानी है, तो इस टाइम जिनी भी जड़ी जुड़ी सर जी मतलब इस टाइम उगे दी ना उस जड़ी ना सर ऐसी बुरी हालत जगह जगह पानी ब्लॉक होता जगह जगह पानी रुके अभी तो इरीगेशन डिपार्टमेंट यही अपील करने गवर्नमेंट अगे कि जल्दी जल्दी सफाई कराई जाए जरा गरीब लोगों को पानी मिले लोग अपनी फसल लाण तो अपना रोजी रोटी का गुजारा जरा बेचारे कर बहुत बुरी हालत है। बार बार यो अपील है कि JCB लाण चाहे बंदे लाण चाहे कोई होर तरीका कर नहर साफ करान जरा गरीबों तक पानी पुजे तो गरीब बेचारे अपनी रोटी रोजी का जुगाड़ कर पानी तो सब कुछ रही है, अगर पानी नहीं पुजा तो नहर कढ़ाने का फायदा की है, नहर कढ़ाई गवर्नमेंट ने खर्चा भी किया लेकिन खर्चे का फायदा कोई नहीं होया, मतलब आम पब्लिक को बेचारे गरीब जनता को कोई फायदा नहीं है, जनता को फायदा ता ही होगा जब जिमीदारों को पानी बेचारे मिलेगा, जब पानी नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट का फायदा की है पैसे खर्चने का। तो अं यो अपील करने कि जिस तरह भी जिन्नी जल्दी जल्दी नहर की दोबारा सफाई कराए, जगह जगह चेक किया जाए, डिपार्टमेंट आपे आकर चेक करे देखे भी की हालत है नहर की, सफाई करा के जल्दी जल्दी जिमीदार बेचारा अपना फसल ला सके। बारे अं कहना चाहते हैं भी मियाँ फतेह जी कोटली लैके नहर अगे पिंडी तक नहर जी कढ़ी जाए, क्यों पहले कढ़ी ही तो माड़ी माड़ी ना कढ़ी ही, दोबारा बिच जड़ी घा गंद बड़ा पैदा हो गया, अं चाहते हैं भी ये दोबारा एक बारी कढ़ी जाए, पानी है जरा अगर बार्डर से पुजा जाए, पुजने कारण लोग पनीरियाँ रहनगे पट्ठे रहनगे फिर अगे लोग लाबा लागे तो फिर लोग चौल खाणगे ना, तो जे होया कुछ नहीं पानी नहीं पुजा तो लोगों ने की लाना उत्थे, अं आखने भी नहर जी दोबारा कढ़ी जाए तो दोबारा पानी है जरा ये बार्डर तक पुजा जाए। चलिए जम्मू कश्मीर की इस खास बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, नमस्कार।